बिफोर वी बिगिन आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू. क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता. इन्हें तो जानते ही होंगे. देखा देखा चेहरा लग रहा है हमारे को. हाँ, हमें भी. और इन्हें शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे. ये क्या खेल खेल रहे हैं? ये सब सुपर विमेन है. कुछ की स्टोरीज दुनिया जानती है, कुछ की अब जानने वाली है. ये सारी फीमेल्स आत्मनिर्भर हैं. ये अपने हर रोल में अमेजिंग है. इनमें से कुछ हमारे आर्टिसंस थे और ये मेरी माँ है. शार्क्स, एज अ विमेन हम हमारी वर्थ थोड़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं. क्या होती है एक औरत की जिंदगी? पढ़ाई करने के बाद फैमिली कहती है शादी कर लो, एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी बीवी बनो. पर हम इससे ज्यादा भी कुछ और हैं. मेरी माँ बहुत टैलेंटेड है, पर वह ये ट्रेडिशनल थॉट ऑफ साइकिल को नहीं ब्रेक कर पाई. हमारी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई जिसने हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी. तब हमने डिसाइड करा कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करेंगे. मैंने ये साइकिल ब्रेक करी अपने शादी के लहंगे को बिजनेस सूट से चेंज करके. नमस्ते शख्स, मैं हूँ ऐश्वर्या, 26 इयर्स यंग. नमस्ते शख्स, मैं हूँ मीनाक्षी झवर, 51 इयर्स और भी ज्यादा यंग. मजा आ गया. हम कोटा से हैं और हमारे ब्रांड का नाम एकत्रा है. एकत्रा एक सस्टेनेबल आर्टिसनल ब्रांड है जो स्टेशनरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाता है. हैंडमेड को जनरली बहुत ही लग्जरी सेगमेंट में क्लासिफाई किया जाता है, वहीं हम हैंडमेड को अफोर्डेबल बनाते हैं. हमारा ब्रांड 19 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है और हमारी खुद की वेबसाइट भी है जिसमें से 5 ग्लोबल स्पेसेस है. हम 20 प्लस रिटेल स्टोर्स में पैन इंडिया कोलैबोरेट कर चुके हैं. विद इन जस्ट 1.5 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस हमने नेटफ्लिक्स, फैब इंडिया, एचसी, सेल्सफोर्स जैसे ब्रांड्स के साथ में काम करा है. क्या आप जानते हैं भारत में अभी भी लगभग 80% फीमेल्स के पास में स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? इसी कारण एकत्रा के सारे प्रोडक्ट्स फीमेल्स बनाती हैं. इसी को आगे बढ़ाने के लिए शार्क्स, हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए विद 40 लैक्स अगेंस्ट 10% इक्विटी. तो क्या आप तैयार हैं और बॉस वुमन बनाने के लिए? तो बॉस वुमन ऐश्वर्या और सुपर बॉस वुमन मीनाक्षी, आप दोनों का शार्क टैंक में स्वागत है. थैंक यू. और आपने बहुत बड़ी बात कही कि 80% महिलाओं के पास आज स्टेबल इनकम नहीं है. जब हम पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है तो फिर वर्कफोर्स में सिर्फ 20% क्यों? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक आपने बताया और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी. और ये जो आपने नाम चुना है एकत्रा, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कलेक्शन. ओके. कलेक्शन ऑफ थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स एंड पीपल. ऐश्वर्या जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कैसे ज्वाइन किया मम्मी को? शार्क, एक्चुअली द आइडिया केम इन जब मैं कॉलेज में थी. By my educational background, I'm an urban planner. अच्छा. So because of that, I had to work with lot of communities. तो idea वहाँ से stem हुआ था कि ये communities में काम करते करते मैं ground level पे बहुत females के साथ काम कर रही थी. तो मैंने देखा उनके पास time है, talent है, पर कोई platform नहीं है. तो मैंने college में थोड़ा सा शुरुआत किया था. फिर एक conference होती है HCI करके, उन्होंने मुझे spot कर लिया. उन्होंने immediately 1000 journals का order दिया हमें. तो we completed that order. We got 2 more people on board. और कंप्लीट करा. फिर लेट 2020s में फैब इंडिया स्पॉटेड अस. वाओ. सो दे गिव अस एन ऑर्डर. तो दैट्स व्हेन वी बिकेम अ फुल फ्लेज्ड ब्रांड. एक बात कहूंगा, हमारे देश में स्टेम को लेकर, इंजीनियर को लेकर इतना फोकस है कि बहुत कम लोग ये एरियाज में पढ़ाई करते हैं जिस एरिया में आपने पढ़ाई की. तो इसका श्रेय मीनाक्षी जी आपको जाता है. Definitely. जो आपने प्रोत्साहित किया इनको, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग और मैथ से लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लेकिन जो मल्टी डिसिप्लिन का इंटरसेक्शन होता है ना, वहाँ चमत्कार होता है. तो हमारे देश में और ऐसी पढ़ाइयाँ चाहिए और ऐसे डिसिप्लिन चाहिए. तो आपके कोई प्रोडक्ट्स ऑर्डर देख सकते हैं? या या. ये क्या है? इट्स अ टोट बैग. ये ब्राउन टैग है यहाँ पर. ये बैम्बू पेपर से बने हुए. ये कितने का है ये पाउच?
This is 150. The laptop sleeve? 450. No, the laptop sleeve, they start from 700. मीनाक्षी जी, ऐश्वर्या जी, ये प्रोडक्ट्स बहुत साल से देख रहे हैं, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है? मैं जयपुर से हूँ और वहाँ पर ऐसे प्रिंट्स काफी कॉमन भी हैं और हर जगह मिलते भी हैं। So, वो इस बेल्ट में ये प्रिंट्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल। ऐश्वर्या ये पूछना चाहते हैं कि आप में क्या अलग है कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन? इफ यू सी डिजाइन ऑफ आर प्रोडक्ट्स, तो एक एस्पेक्ट है उसमें हैंडमेड बनने का, पर जो डिजाइन है वो बहुत इंटेंशनल है। लाइक योर डेली प्लानर्स अगर आपके पास हुए, उनमें बहुत लेयर्स ऑफ थॉट चीजें होंगी, लाइक योर ग्रैटिट्यूड, सेल्फ केयर, मूवमेंट, जो आपको डेली उसमें हेल्प करेगा। आई थिंक इनका जो ब्रांडिंग है ना एकत्र, जिस तरीके से इन्होंने, मैं ये देख रहा था जैसे इस पे जो टैग भी लगाया है, जो एक्सपीरियंस है, वो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली गुड। आई एग्री, तो ब्रांड बिल्डिंग का जो काम है ना वो भी, मतलब मुझे लगता है मेंशन नहीं किया ऐश्वर्या ने, बट वो काफी बड़ा फैक्टर होगा फील गुड वाला। आपने बताया कि महिलाओं के साथ आप काम करती हैं, तो टेल अस मोर। अभी तक हम लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग मिल गए हैं। करंटली वी हैव 23 फीमेल्स विद अस, नेक्स्ट 2 मंथ्स में वी विल रीच दैट नंबर 40 तक। बट नाउ वी आर ट्रेनिंग मोर पीपल विद इन 500 किलोमीटर्स, 300 लोग आइडेंटिफाई करे हुए हैं जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम में जुड़ी हुई है, जो बेसिक स्टिचिंग और स्विंग में ट्रेन हो रही है। सो इट्स लाइक दोनों तरफ से हेल्प कर रहा है कि गवर्नमेंट लोग ढूंढ रही है जो उनको एम्प्लॉयमेंट दे, और हम वो लोग हैं जो चाहते हैं इनके टाइम और स्किल्स को लेवरेज करना। या आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं या अपने? सो इट्स बोथ वेज। तो फैक्ट्री में थोड़ा सा सेटअप है, वी आर स्टिल बिल्डिंग दैट, बट मोस्टली ये फीमेल्स हैं जो डोमेस्टिक हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, दे हैव गॉट फैमिली एंड किड्स टू लुक आफ्टर, तो वो अपने टाइम में काम करती हैं। सेल्स के बारे में बताइए। एट इनिशियल ईयर वाज जस्ट 90,000, सिंस वी आर अ 1.5 ईयर ओल्ड कंपनी, फिर हमने नेक्स्ट ईयर 10x कर लिया उसको, लास्ट फाइनेंशियल ईयर वॉज 10.5 लाख, लास्ट क्वार्टर वॉज 10.4 लाख, और लास्ट मंथ की सेल्स इज 5.4 लाख। आपने बताया 10.5 लाख आपने लास्ट क्वार्टर किया, केवल जो कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचा वो कितने? वुड बी अराउंड 60-65%। 60%। मार्जिन क्या आपके बिजनेस में भी, जैसे 10 लाख में प्रॉफिट कितना होगा और प्रोडक्ट मार्जिन कितना है? 27% नेट एंड 80% इज ग्रॉस मार्जिन। आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 20%, उसके बाद में 16% वी कीप फॉर ओवरहेड, सैलरीज एंड ऑल दैट, फिर 25% इज डिफरेंट काइंड ऑफ कमीशंस दैट वी हैव टू पे ऑन स्टोर्स और ईदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड देन टैक्स, and then 27% our margin. And marketing? Abhi right now our budget is 10,000-15,000 only on Amazon ads. Ab Amazon pe kitni sale hai abhi? Last month Amazon was 75,000. कितने रिव्यूज हैं अमेज़न पे आपके प्रोडक्ट्स को? तो हमारा अमेज़न का हीरो प्रोडक्ट आर दीज रोल अप केसेस, इट हैज गॉट ओवर 83 रिव्यूज। तो इसमें हम ये अमेज़न चॉइस प्रोडक्ट भी है और अमेज़न पे रोल अप की कैटेगरी में हम नंबर 1 रैंक कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द रेटिंग? 4.5। आप खुद की वेबसाइट से कितना सेल करते हैं? 20% लास्ट मंथ। 1 लाख रुपए के आसपास की सेल वहां से रही? लिटिल मोर देन 1 लाख। ओके, सो ऐश्वर्या, मीनाक्षी जी, मेरे को लग रहा है अभी ना बिजनेस थोड़ा छोटा है। करेक्ट। अभी के लिए मैं आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट। मेरा भी डिसीजन बन गया है, मुझे नहीं लगता है अभी आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत है, इसलिए आई एम आउट। लेकिन एक फीडबैक मैं जरूर आपको देना चाहूंगी, आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें 2-3 हीरो प्रोडक्ट्स आप ढूंढ के निकालिए जो लोगों को, मतलब यू नो, एक एक्साइटमेंट हो आपके प्रोडक्ट्स देख के, तो वो एक फीडबैक देना चाहूंगी। करेक्ट, वी विल टेक, बट ग्रेट जॉब। आपका विजन क्या है कंपनी, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना चाहती हैं आप और यहाँ क्यों आई, हमसे क्या चाहती हैं? हम एकत्रा को एक ओमनीप्रेजेंट ब्रांड बनाना चाहते हैं। राइट नाउ करंट फोकस इज टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ्स, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर इक्विटी बनानी है हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट इज वुड बी टू डेल्व इनटू एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हैंडमेड का मार्केट बहुत बड़ा है एक्सपोर्ट्स में। राइट नाउ वी डोंट एनविजन आवरसेल्फ्स हैविंग स्टोर्स, खुद के स्टोर्स, बट डेफिनेटली मोर स्टोर कोलैबोरेशंस। एक बात तो बोलना चाहूंगा कि आप काफी स्मार्ट हैं, ऑनेस्ट हैं, डिजाइन सेंसिबिलिटी इज वेरी हाई, बट जहां बिजनेस का फोकस है ना, वो मुझे, कभी आप एक्सपोर्ट की बात करती हैं, कभी D2C की बात करती हैं, तो और फिर जो विजन आपने बताया एक ओमनी प्रेजेंट, ये कोई मुझे स्ट्रॉन्ग विजन नहीं लगा। ऐश्वर्या, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं आपका बिजनेस काफी चेंज करना चाहूंगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स में खेलना मेरे हिसाब से डिजास्ट्रस है। मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था डेली ऑब्जेक्ट्स करके,
उन्होंने भी यही गलती करी थी कि वो 25 कैटेगरी में पहुंच गए, फिर वो 15 में आए. मतलब वो बैक एंड फोर्थ में जब तक आपको ये समझ आएगी 2-3 साल निकल जाएंगे इस पूरी इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज कॉम्पिटिटिव मार्केट है. आई मीन यू कैन हियर अदर्स. पहले तो एवरीबडी इज वेरी इंप्रेस्ड विद यू गाइस. ये सब कॉजेस तो मुझे सपोर्ट करना ही. वी आर ट्राइंग टू पुट 10 मिलियन वुमेन बैक टू वर्क. लेकिन यहाँ जो मैं बैठा हूँ आज, आई एम वेयरिंग द हैट ऑफ अ शार्क एज एन इन्वेस्टर टू सी हाउ आई विल मेक मनी वंस आई इन्वेस्ट. अभी मुझे वो क्लियरली दिख नहीं रहा है. पाथ आपका. मैं आउट हूँ. विश यू ऑल द बेस्ट. मैं ऑफर देना चाहूँगा एक्चुअली. मेरे को आप बहुत ही फाइटर लगे और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के बिजनेस में पैसा डालना जहाँ पर एक लार्जर प्रॉब्लम इंडिया की सॉल्व हो रही हो. सेकंड, आपने जिस तरीके की प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो बहुत कॉमन है, आई बी फ्रैंक. बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरीके से फाइट मार रहे हैं उसके अंदर आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे. लाइक पीयूष जो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ. हर छोटी चीज़ के पीछे फाउंडर भागता है तो उसको टाइम नहीं मिलता. फोकस ऑन ओनली वन थिंग. मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको हेल्प दे सकता हूँ ऑन वेबसाइट, आपकी रिपीट बिहेवियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेरा इन्वेस्टमेंट इसी शर्त पे मैं ऑफर दूंगा कि पहले आप फोकस करेंगे एक D2C ब्रांड बनाने में. तो मैं आपको देना चाहूंगा 20 लाख कैश फॉर 20% इक्विटी और 20 लाख इन डेट. ओके. मेरी वाली ऑफर चुरा ली इन्होंने बिल्कुल. मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे ना. मैंने भी सेम लिखा हुआ है. बिकॉज 40 लाख की सेल है, 1 करोड़ की वैल्यूएशन लगा के 20 लाख पे 20% ले लिया और 20 लाख. तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑफर. अगर आप ओके हो तो हम दोनों मिलके भी कर सकते हैं इसमें. चलो ठीक है, आई एम ऑन. 10-10 लाख ईच, 20% इक्विटी एंड 20% इज डेट विद द कंडीशन कि हम एक D2C ब्रांड बनाएंगे फॉर द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. और ये नॉन नेगोशिएबल ऑफर है मेरी तरफ से. Just to understand this better, मुझे आपने आपका बताया कि what are you going to bring onto the table? Piyush, if you can guide us, जैसे आपने no, just to understand. अभी love it. अभी आप बनेंगी shark. No, just to understand कि मतलब क्या-क्या lack points हैं और कहाँ हम आपकी help seek कर पाएंगे. It's good that you are asking these good questions. Good question. It makes me want to do this more. आपने एक अच्छा brand जरूर बनाया है. तो मेरा जो इसमें गोल रहेगा वो लार्जली रहेगा कि आप कैसे इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज लाके कोई ना कोई एक मोट बनाएं. मुझे फंडामेंटली लगता है मोट बनाना चाहिए इसके अंदर. एक बड़ा ब्रांडिंग आपकी काफी इंटरेस्टिंग है, आप बहुत इंटरेस्टिंग है. बस आप डिसीजन दे दीजिए. बस यस, लेट्स हैव अ डील. वेल डन. कांग्रेचुलेशंस पीयूष. Thank you so much. Thank you. For trusting us. You are an us. Amazing entrepreneur, I must say. Congrats and great pitch. Thank you so much for trusting us. आप आए थे दो, आप जा रहे हो एकत्र. Oh, nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.